नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, कुछ समय बाद जो है रेनी सीज़न शुरू होने वाला है। जून का महीना लग गया है। 15 जून के बाद जो है उत्तर भारत में भी जो है बहुत अधिक बारिश वगैरह होने लग जाएगी और प्री मानसून जो रेन होने लगी है वो तो शुरू हो ही चुकी है और कई जगह बहुत ज़्यादा भी हो रही है, कई जगह नॉर्मल हो रही है। तो जो मानसून जब प्रॉपर आ जाए उससे पहले ही हमें अपने गार्डन में बहुत सारे काम कर लेने चाहिए जो हमारे गार्डन के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो आज मैं आपको 11 करीब ऐसे काम बताऊंगी जो आपके गार्डन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप अभी जो है मानसून से पहले उन कामों को कर लेते हैं तो उस समय आपको इन कामों से मदद मिलेगी। तो उन सब के नाम मैं नंबर वाइज आपको बताती रहूंगी। तो उससे पहले ये देखिए, ये इतने अच्छे जो है मेरे ये मैं फॉलिए जा रहे हैं, इनको मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे अपने वर्टिकल प्लांटर हैं मेरे, ये वेस्ट मटेरियल के बने हुए सब में बहुत खूबसूरत फॉलिए चल रहा है। तो ये सब देखिए और इसके साथ ही अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, जहाँ गर्मियों में हम पानी ज़्यादा देते हैं, पानी चाहिए होता है ज़्यादा, तो वहीं पर जो है बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा हो जाता है, उससे हम परेशान होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे गमलों में पानी वगैरह भरता है। तो इसलिए अभी से आप अपने प्लांटर की जो है नियमित रूप से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि आपकी मिट्टी हल्की हो जाएगी, पोरस हो जाएगी मिट्टी और उसमें जो है पानी नहीं रुकेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आती है इस सीज़न में जो है बारिश के मौसम में जो है कि पानी जो है गमलों में रुकता है और उससे प्लांट की जो रूट्स जो होती हैं वो सड़ जाती हैं। तो इसलिए अपने प्लांट की जो है आप नियमित रूप से गुड़ाई करते रहेंगे तो आपके जो है इस समय बारिश के मौसम में पानी नहीं रुकेगा। प्लांटर की जो है गुड़ाई करने के साथ साथ आप जो है प्लांटर को इस चीज़ का भी ध्यान दे लें कि उसका ड्रेनेज होल जो है रुका कहीं बंद तो नहीं है, क्योंकि कई बार जो होता है उनके ड्रेनेज होल जो होते हैं बंद हो जाते हैं क्योंकि उनमें मिट्टी वगैरह भर जाती है। ये प्रॉब्लम जो है अधिकांश जो है जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं जो 1-1.5 साल से उस पर लगे होते हैं उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो है धीरे धीरे पानी डालते डालते नियमित रूप से पानी जब उनमें डालते रहते हैं तो उनमें मिट्टी जो है छेद को क्लोज कर देती है। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए किसी धारदार नुकीले उससे जो होते हैं जैसे पेचकस वगैरह जो होते हैं अपने छेद पर जो है जो इसके ड्रेनेज होल है उस पर आप उसको थोड़ा सा नुकीले से छेद करके और ज़्यादा उसको शार्प कर दीजिए तो उसमें छेद में से प्रॉपर पानी आता रहे। इसका अंदाज़ा तो आपको जो प्री मानसून बारिश होती है उसी से लग जाता है कि हमारा जो है प्लांटर की पोजिशन क्या है, कि प्लांटर में कहीं पानी तो नहीं रुक रहा है। प्लांटर की सॉइल इतनी पोरस बना के रखनी चाहिए रेनी सीजन में कि पानी पड़ते ही वो पानी कुछ समय बाद ही आपके जो है प्लांटर में रुकता रहे निकल जाए और प्लांटर में पानी ना रुके। जहाँ प्लांटर में पानी रुक रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। नंबर टू की हो सकता है कि आपके प्लांटर की जो है जो अगर पानी रुक ही रहा है, आपने छेद से भी जो है नुकीले छेद से नीचे से ड्रेनेज भी सही कर दिया है तब भी पानी रुक रहा है, तो उसका कारण ये हो सकता है आपका प्लांटर जो है प्लांटर में रूट बाउंड हो गया, यानी उसकी जड़ों ने पूरे प्लांटर को घेर दिया है। तो बारिश के सीजन से पहले ही अपने प्लांटर की जो है इस चीज़ की चेक कर लें। अगर कोई रूट बाउंड प्लांटर है जिसकी कोई भी प्लांट की सॉइल जो है जो रूट बाउंड हो गई है तो उसको निकाल के उसमें जो है अच्छी से सॉइल बनाकर उसको आप डाल दें। नेक्स्ट है काम होता है कि जो रेनी सीजन आता है इससे मैं जो है गार्डन में शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी तक जो प्लांट हमने प्रॉपर सनलाइट में रख रखे थे तो उनमें से कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनको सनलाइट तो पसंद है पर रेनी सीजन का बहुत ज़्यादा बारिश का पानी उनको पसंद नहीं होता है, तो उन प्लांट को जो है आपने शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे अडेनियम का प्लांट है, धूप तो पसंद करता है गर्मी की, पर जो है बारिश का जो है अधिक बारिश उसको पसंद नहीं होती है, उसका उससे कॉर्टेक्स जो होता है वो गलने लग जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लांट होते हैं जो सेकुलेंट प्लांट होते हैं, उनके लिए तो बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर उन पर पड़ जाए तो वो तो निश्चित ही ख़त्म होने वाले होते हैं, क्योंकि उनको तो हमने सनलाइट से ही बचाना होता है, साथ ही जो है रेनी सीजन का जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उससे भी बचाना होता है। तो उनको ऐसी जगह शिफ्ट करना पड़ता है जहाँ पर पानी उन पर ना पड़ पाए, डायरेक्ट पानी ना पड़ पाए। कभी कभार आप रेनी सीजन का पानी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, वैसे तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो एक आध बार आप पानी दीजिए, बाकी जो है उनको ऐसी जगह से आपको हटाना पड़ेगा जहाँ इसमें लगातार पानी पड़ता रहे।
नेक्स्ट काम ये है दोस्तों, जो भी आपके पास सॉइल वगैरह है या पुरानी जो है प्लांटर की सॉइल आपने निकाल दी है, उस सॉइल को हो सके तो आप धूप में दिखा दीजिए, स्टरलाइज कर लीजिए धूप में। जो भी आपके पास जो है इस तरह की सॉइल वगैरह को आप निकाल के स्टरलाइज करेंगे तो उसमें जो है इंसेक्ट फ्री हो जाती है वो सॉइल, और उसको जो है कहीं पर अगर आपके पास स्टोर करने की जगह है तो वहाँ पर उनमें कट्टे वगैरह में भर के रख दीजिए, जिससे कि बारिश के मौसम जैसे ही आएगा तो उस समय जो है हम कई बार नए प्लांट लेके आते हैं तो उनके लिए सॉइल चाहिए होती है, और जो हमारे आसपास जो सॉइल होती है बहुत गीली होती है, उसको हम ला नहीं पाते, इसलिए पहले से हमारे पास अगर सॉइल रखी होगी वो भी जो है इंसेक्ट फ्री होगी तो बहुत अच्छा होता है। फर्टिलाइजर वगैरह भी लाकर आप रख लीजिए तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है रेनी सीजन में। घर से जो भी आपके बनाना पील्स, ऑरेंज पील्स और भी जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, अभी जो है धूप काफ़ी तेज़ है, उनको जो है सुखा लीजिए, सुखा कर उनको पीस कर हल्दी वगैरह मिला के उसको भी आप डिब्बे में रख सकते हैं। मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको दूंगी, तो उसमें भी आपको बता रखा है कि किस तरह से आप घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, किचन का जो वेस्ट होता है, उसको सुखा कर ड्राई रूप में आप किस तरह संभाल सकते हैं। तो ये रेडी टू यूज फर्टिलाइजर बना के रख लीजिए। नेक्स्ट काम होता है दोस्तों, बारिश के मौसम में कटिंग वगैरह बहुत लगाई जाती हैं, तो मैं तो ये करती हूँ कि इस तरह की पॉली बैग पहले से रेडी रखती हूँ। इसके अंदर जो है नीचे किचन जो अपना किचन का वेस्ट होता है या जो है गार्डन से निकली हुई सूखी पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो भरी होती हैं, ऊपर से मैं अच्छी सी सॉइल मिला के उसमें डाल देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो सब मेरी जो है ये अच्छी तरह से बारिश के पानी से वो डिकम्पोज भी होने लग गए हैं। तो जैसे ही जब बारिश बढ़ जाती है तो मेरे को जब मालूम पड़ा कि मुझे अभी गुड़हल की कटिंग लगानी है, कोई भी कटिंग किसी के यहाँ से हम लेके आते हैं तो घर में आकर जो है उसके लिए सॉइल बनाना टफ पड़ता है। तो इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनमें पॉली बैग वगैरह हमारे घरों में निकलते रहते हैं, उनमें पहले से ही आप सॉइल वगैरह बना के रखिए। साथ ही जो है नर्सरी पॉट्स जो आते हैं वो भी बेकारी होते हैं, छोटे छोटे नर्सरी पॉट्स होते हैं, उनमें भी जो है आप सैंड और सॉइल का मिक्सर बना के रखिए, और जो है नेस्ट जो है उस नर्सरी से जो पॉली बैग आते हैं वो भी अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं तो ब्लैक कलर की पॉली बैग नर्सरी के आते हैं वो भी पड़े होते हैं कई, क्योंकि प्लांट को अच्छे से निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो है वो पॉली बैग हमारे लिए बेकार होता है। तो उस पॉली बैग में भी आप जो है इस तरह की सॉइल बनाकर रख सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होता है रेनी सीजन के अंदर। तो लाए हम कटिंग लाए और कटिंग हमारे पास लाकर जो है हम फटाफट जो है इसमें पहले से रेडी होगा हमारे पास तो हम उनमें लगा सकते हैं। तो ये काम भी अपने गार्डन में ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट ये है, जो लोग अपने गार्डन में कंपोस्टिंग वगैरह काम करते हैं, अपने जो है किचन वेस्ट को घर किचन में गार्डन में कंपोस्ट करके उसको रीयूज करते हैं, तो ये बारिश के मौसम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बारिश के मौसम में ऐसे बर्तन का इंतजाम अभी से करके रखते हैं कि जिसके ऊपर लिड हो। जैसे देखिए ये मटका है तो इनके अंदर जो है हमें कंपोस्टिंग करना आसान होता है। कई लोग पॉली बैग वगैरह में करते हैं या थोड़े खुले में करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कीड़े पड़ने की ज़्यादा आशंका होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप जो है प्लास्टिक की बकेट भी रखते हैं तो उसमें भी लिड वाली होनी चाहिए, उनको ईंटों के ऊपर रखिएगा और उसके ऊपर जो है पानी ना गिरे, बारिश का पानी ना गिरे, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही जो है जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो उसका ढक्कन खोल दीजिए और उसको जो है कंपोस्टिंग को आप ऊपर नीचे अपनी जो टूल्स होते हैं उनसे हिलाते रहेंगे तो उससे वो आसानी से वो कंपोस्टिंग में कीड़े नहीं पड़ते हैं, एक्स्ट्रा नमी भी नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों का भी हमने अभी से तैयारी रखनी पड़ती है बारिश के मौसम में, नहीं तो हमारा जो है हम किचन वेस्ट को अगर ऐसे डालेंगे किसी भी चीज़ में रखेंगे तो उनमें अब ज़्यादा बारिश का पानी पड़ने से वो कीड़े वगैरह पड़ने का डर रहता है। समर में फ्लावरिंग करने वाले बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारे एक टाइम की जो है फ्लावरिंग दे चुके होते हैं, जैसे कि ये मधुमालती है, ये देखिए इसमें जो है बहुत बड़ा अच्छा सा जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, भर भर के फ्लावरिंग हुई थी। तो उसके बाद जो होता है सेकेंड टाइम की फ्लावरिंग आने से पहले जो है अपने जो ऐसे परमानेंट प्लांट है उनकी अच्छी क्रोनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि बारिश आने के बाद इनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो अगर अग्नि से हम इसकी क्रोनिंग कर देंगे तो बारिश के समय अच्छी सी फ्लावरिंग भी लेंगे और जो है एक प्लांट जो हमारा सेफ में भी रहता है। तो मधुमालती जो ये बोगनवेलिया और इस तरह के जो कनेर हैं, जो परमानेंट प्लांट गोरीचोरी जो ज़मीन में लगे हुए हैं या पॉट में लगे हुए, आपके प्लांट की कैसी हाइट है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने प्लांट की अभी हमने क्रोनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड क्रोनिंग कर दीजिए, कुछ दिन में ही रेनी सीजन में जो है उनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी।
नेक्स्ट काम यह है कि बारिश आती है तब अक्सर बारिश आने से पहले कई बार हवा वगैरह बहुत तेज़ चलती है, तो जिन प्लांट ने आपके गार्डन में ज़्यादा हाइट वगैरह ले ली होती है तो वो कई बार गिर जाते हैं, तो या आपने बेल वाले प्लांट लगा रखे हैं वो भी कई बार इधर से डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इसलिए उनको जो है स्टिक करने के लिए बड़ी बड़ी स्टिक से उनको अभी से टाइम से जो है आप जो है चारों तरफ से बांध दीजिए, तो उससे जो है प्लांट अपनी शेप में रहेगा और गिरेगा नहीं और प्लांट का नुकसान नहीं होगा। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है गार्डन में जो है रेनी सीजन से पहले करना। गुलाब वगैरह जो इस तरह के प्लांट होते हैं जो ज़्यादा बारिश के पानी से जो है ये प्रभावित होते हैं, अगर आपका ज़मीन में लगा है प्लांट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके चारों तरफ जो है आप थोड़ी सी नीम खली का जो है एक लेयर लगा दें जिससे कि जो है उसे फंगस की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादा पानी से जो है होगा कुछ समय के बाद जो है प्लांट जो है ये गुलाब वगैरह के ये कई बार तो ये जो है इसकी पत्तियों जो पीली पड़ी गिरने लग जाती हैं और उनमें छेद छेद हो जाते हैं, तो इस तरह का चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो नाजुक वाले प्लांट हैं अगर आपके पॉट में लगे हैं तो इनमें थोड़ी बहुत बारिश तो बहुत अच्छी है, और बहुत ज़्यादा जब बारिश होने लग जाएगी तो इनको आप शिफ्ट करना है, नहीं शिफ्ट कर सकते हैं तो उनमें जो है नीम खली की लेयर वगैरह लगा दें, साथ ही जो है आपके घर से जो हल्दी वगैरह होती है वो भी कभी कभी स्प्रे कर दें, और जो है जिस समय बारिश रुकेगी तो उस समय जो है हमने जो है कभी भी जो है इनमें नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह अभी से आप अपने प्लांट को इतना मजबूत कर दें करके कि जिससे कि प्लांट पर जो है बारिश के मौसम को वो आसानी से झेल सके। बारिश के मौसम में सीडलिंग भी बहुत की जाती है, तो बारिश के मौसम में जो सीडलिंग तैयार की जाती है उनके सीड्स वगैरह मंगा के रख दें, तो कटिंग तो हम जब चाहेंगे तब लेकर आएंगे, जहाँ पर से हमको दिखेगी वही कटिंग लानी होती है, पर सीड हमें पता है कि कौन कौन से लगने वाले हैं तो उन सीड्स वगैरह को अपने पास मंगा के हमने रख देना चाहिए, साथ ही फंजीसाइड जरूर मंगा के रखना चाहिए। फंजीसाइड जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो जो है नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं या हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं या दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो है जो नाजुक वाले प्लांट है जो आपको पता है कि बहुत जल्दी कई बार ये डैमेज हो जाते हैं उन प्लांट की जड़ में आप ये चीज़ें जरूर डाल दें टाइम से पहले से ही, जिससे कि प्लांट उनको एब्जॉर्ब करके मजबूत हो जाए। लास्ट और ज़रूरी काम यह है कि अपने गार्डन की आपने बहुत अच्छी तरह से सफाई वगैरह बारिश के मौसम में जरूर रखना चाहिए, तो उससे पहले बारिश शुरू होने से पहले ही क्यारियाँ वगैरह में या आपने अपने प्लांटर में मल्चिंग वगैरह कर रखी तो उसको गुड़ाई करके जो प्लांटर में जो मल्चिंग कर रखी उसको उसी में मिला दीजिए, मिट्टी में उसी में मिक्स, जब बहुत जल्दी बारिश के पानी से वो डिकम्पोज हो जाता है, साथ ही क्यारी वगैरह में अगर घास जमी हुई है बीट्स वगैरह भी बारिश से पहले जो है या बारिश के बाद समय जो है बहुत जमते हैं, तो ये सब चीज़ों को उखाड़िए और जो है अपने आसपास जो है सफाई रखिए, प्लांटर के आसपास भी सफाई रखिए, प्लांटर में सफाई रखिए, बीट्स वगैरह को नहीं उगने दीजिए, जो बीट्स वगैरह उग जाते हैं उनको भी उखाड़ के जो है अपने उसी में भी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको उखाड़ के प्लांटर की जो मिट्टी में है उसमें मिला देते हैं, तो उसके सीड्स अलग कर दीजिए, खाली लीफ को जो है उसमें प्लांट, क्योंकि सीड्स अगर आप उसी में डाल देंगे तो दोबारा से जो जर्मिनेट होता है अगर सीड्स हटा के उसके जो है लीव्स को आप जो प्लांटर की सॉइल में उसी में दबा दीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो ये जो है सब काम हमने गार्डन में जो है बारिश के आने से पहले तेज मॉनसून आ जाए उससे पहले कर लीजिए तो अच्छे रिजल्ट रहेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।